भारत की ताकत ने अमेरिका को बता दिया कि भारत अब रुकने वाला नहीं, भारत अब झुकने वाला नहीं। कभी अमेरिका ने जो सोचा ना था वो भारत ने कर दिखाया। दरअसल भारत का स्टॉक मार्केट न केवल स्थिर रहा बल्कि नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। भारत ने दुनिया को अपनी आर्थिक शक्ति का एहसास कराया। अमेरिका की कई रणनीतिक चालों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ा। अमेरिकी शॉर्ट सेलर्स की सारी कोशिशें नाकाम रह गई जो भारत के स्टॉक मार्केट को गिराने की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन भारत का निफ्टी 50 इंडेक्स न केवल स्थिर रहा बल्कि उसने 26,000 का ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड भी छू डाला। ये एक बड़ा संदेश है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे मजबूत फंडामेंटल पर आधारित है। रूसी थिंक टैंक सेंट्रल इकोनॉमिक मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट ने हाल ही में इन बातों को माना कि पीएम मोदी के सत्ता में आने से भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिरता आ गई और ये मोदी की गारंटी भी थी। इस थिंक टैंक ने बताया कि अमेरिका के शॉर्ट सेलर्स ने सोचा था कि गठबंधन सरकार कमजोर होगी और ग्लोबल संकेतों की वजह से भारतीय स्टॉक मार्केट गिर जाएगा, लेकिन भारत ने इन सब के बावजूद खुद को बेहद मजबूत साबित किया। जब से निफ्टी इंडेक्स ने 22,000 को पार किया है तब से अमेरिका के शॉर्ट सेलर्स लगातार भारत को गिराने की कोशिशें कर रहे थे, लेकिन निफ्टी ने 26,000 का ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाकर सबको चौंका दिया। ये एक ऐतिहासिक घटना थी जो कि ये दिखाती है कि भारतीय बाजार अब किसी भी बाहरी ताकत से प्रभावित नहीं होता। अमेरिका की नकारात्मक खबरें भी भारत के बाजार को गिरा नहीं सकी। दरअसल अमेरिका ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से ये सोचा था कि भारत की कमजोर गठबंधन वाली सरकार और वैश्विक बाजार की नकारात्मक परिस्थितियों का फायदा उठाकर भारतीय बाजार को गिराया जा सकता है, लेकिन उनकी योजना पूरी तरह से विफल हो गई। भारत ने अपनी ताकत और स्थिरता से साबित कर दिया कि अमेरिका की चालें कभी सफल नहीं हो सकती। खैर, आज भारत ने साबित कर दिया कि वो न केवल एशिया बल्कि पूरी दुनिया के आर्थिक मोर्चे पर सबसे मजबूत खिलाड़ी बन चुका है, चाहे वो चीन हो, जापान हो या कोई दूसरा बाजार। लेकिन भारतीय बाजार ने अपनी स्थिरता बनाए रखी, ये पीएम मोदी की नीतियों और भारत की आर्थिक शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब आपका क्या कुछ कहना है, जिस तरह से भारत लगातार ऊंचाइयों पर पहुंच रहा उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।